हेलो नमस्कार दोस्तों, भास्कर बीरबल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना बिंदु है राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। राम भक्ति शाखा में जो प्रमुख रूप से कवि माने जाते हैं वो तुलसीदास जी माने जाते हैं, और उन्हीं की रचनाओं का आधार बनाकर प्रश्न पूछा जाता है लगभग तौर पर। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले देखते हैं राम भक्त कवि तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो कुछ विद्वान है वो राजापुर मानते हैं, और कुछ विद्वान सुकर क्षेत्र मानते हैं। कुछ के अनुसार राजापुर है और कुछ के अनुसार शुक्र क्षेत्र है। इनका जन्म है वो सन 1532 में हुआ था, यानी 1532 में इनका जन्म माना जाता है। अगला है, तुलसीदास जी का बचपन का नाम है वो रामबोला था, और पत्नी का नाम रत्नावली देवी था, जिनके कारण से इन्होंने राम भक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और एक तरह से रत्नावली के फटकार के बाद ही वे राम की तरफ आकर्षित हुए। उसके बाद है पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और माता का नाम तुलसी। तुलसीदास जी के दो गुरुजनों के नाम बताइए। तो गुरुजन, एक गुरु का नाम था नरहरिदास, जो बाल्यावस्था में ही इनको सहारा देने वाले थे, और जो शास्त्रों की शिक्षा और साथ ही साथ वेदांगों की शिक्षा देने वाले थे गुरु शेष सनातन जी। और इन्होंने वेद वेदांग पुराण शास्त्रों की शिक्षा दी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना जो मानी जाती है वो रामचरितमानस है। तुलसीदास की भक्ति भावना है वो दास्य भाव की भक्ति भावना है, यानी तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान का दास मानकर भक्ति की है। रामचरितमानस का रचनाकाल संवत 1631 है और सन 1574 है, यानी सन पूछा जाए तो 1574 और संवत पूछा जाए तो 1631, यानी 57 साल का अंतर है। उसके बाद देखते हैं रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस की भाषा है वो अवधि भाषा है, यानी भाषा है वो अवधि है और 7 कांड हैं। रामचरितमानस में रस है वो शांत रस है, यानी सांतरस की प्रधानता है रामचरितमानस में। रामचरितमानस की शैली, रामचरितमानस की शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। दोहा चौपाई शैली में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में लगा समय, यानी कितना समय लगा? तो 2 साल 7 माह का समय लगा। अगला है, तुलसीदास की रचना समन्वयवादी रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी कौन सी रचना वो समन्वयवादी मानी जाती है? तो यह है रामचरित मानस। आगे देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। तो आचार्य शुक्ल जी ने उनकी 12 रचनाएं मानी हैं विशेष तौर से। तो तुलसीदास जी की रचनाओं का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पहला है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका उसकी भाषा है वो ब्रजभाषा है, और इसमें शांतरस की प्रधानता है। तो विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रजभाषा है और सांतरस की प्रधानता है। उसके बाद है दोहावली। ये दोहा शैली में रचित रचना है, यानी दोहा शैली में इनकी रची हुई रचना है। दोहावली की भाषा है वो ब्रजभाषा है, यानी दोहावली की भाषा पर हम विचार करें तो इनकी भाषा है वो ब्रजभाषा है। नेक्स्ट है कवितावली। कवितावली है वो पद्य शैली में लिखी गई है, और इसकी भाषा है वो भी क्या है? ब्रज भाषा है,
यानी कविता लिखी, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अब उसके बाद है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली है वो पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखी गई, ये ज्योतिष संबंधित रचना है, यानी इनके मित्र थे पंडित गंगाराम और उन्होंने अनुरोध किया, तब तुलसीदास जी ने इस रचना को लिखा, जो कि ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। अगला है जानकी मंगल, ये अवधी भाषा की रचना है, भैरवी रामायण, रहीम के आग्रह पर रचना, यानी इस रचना की, इसकी रचना है वो रहीम जी के आग्रह पर की गई है, और ये जैसे रहीम जी भैरवी छंद में ज़्यादातर लिखते थे उसी प्रकार भैरवी छंद में लिखी गई है, और इसकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा है। वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य संदीपनी है उसकी भाषा है वो अवधी भाषा है। आगे पार्वती मंगल, तो पार्वती मंगल की भाषा भी कौन सी है? अवधी भाषा है। और उसके बाद है रामलला नैचू, तो रामलला नैचू की भी भाषा अवधी है। तो वैराग्य संदीपनी की भी अवधी है, पार्वती मंगल की भी अवधी है, और रामलला नैचू की भी भाषा अवधी है। कृष्ण गीतावली वृंदावन यात्रा के समय लिखी, यानी जब वे तुलसीदास जी सूरदास जी से मिलने के लिए वृंदावन गए तब कृष्ण गीतावली की रचना की, और इसकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा है। यानी कृष्ण गीतावली की भाषा है वो भी कौन सी है? ब्रज भाषा है। उसके बाद है हनुमान बाहुक, हनुमान जी से अपने बाह की पीड़ा को मिटाने के लिए जो रचना की गई उसका नाम हनुमान बाहुक है, और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी की मृत्यु भी इस असहनीय फोड़े के कारण से हुई, यानी बाहु के अंदर असहनीय फोड़ा हो गया था और वो किसी भी प्रकार से मिटा नहीं और उसे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे गीतावली जो है उसमें 7 कांड है। तुलसीदास जी की विशेषता है जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इन्होंने जो अध्याय लिए हैं वो लगभग 7 ही लिए हैं, लगभग 7 कांडों का वर्णन। गीतावली की भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। गीतावली की शैली है वो मुक्तक शैली है, यानी मुक्तक शैली में उन्होंने रचना की है। उसके बाद है गीति काव्य शैली में लिखी गई रचना, तो गीति काव्य शैली में लिखी गई इनकी रचना है उसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 279 पद हैं और ये भगवान राम को कली काल से मुक्ति के लिए एक तरह की प्रार्थना है, यानी कलयुग से मुक्ति के लिए प्रार्थना है। महात्मा गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, यानी तुलसीदास को महात्मा गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, तो ये डॉक्टर ग्रेसन ने कहा था, डॉक्टर ग्रेसन ने इनको सबसे बड़ा लोकनायक कहा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तुलसीदास के राम, तो तुलसीदास जी के राम किस प्रकार के थे? तो लोकनायक व लोक रक्षक राम का उन्होंने गुणगान किया है, वर्णन किया, यानी राम का जो चरित्र चित्रण है वो लोकनायक व लोक रक्षक के रूप में किया है। तुलसी का भक्ति मार्ग, यानी तुलसीदास जी किस भक्ति मार्ग के अनुयायी थे? तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद के थे, यानी विशिष्ट अद्वैतवाद के ये क्या थे? अनुयायी थे। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को क्या कहा? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास जी को कहा। ये प्रश्न भी मोस्ट है और ये पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को क्या कहा? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि, जातीय कवि और साथ ही साथ समन्वयवादी कवि, यानी 3 नाम दिए थे। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि कहा, तो ये कहा था स्मित महोदय ने। ये फर्स्ट ग्रेड में पहले भी पूछा जा चुका है कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि किसने कहा, तो ये उत्तर है स्मित महोदय ने, स्मित ने एक तरह से। अगला क्वेश्चन है रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की, तो रामानुजाचार्य थे उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। अगला है आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो
तो आलवार संतों की संख्या है वो 12 मानी जाती है, दक्षिण भारत के संत माने जाते हैं। उसके बाद है आलवार किसके उपासक थे, तो आलवार थे वो विष्णु के उपासक थे। और नैनार किसके उपासक थे, और नैनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे। यानी जो भक्ति है वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आई थी और रामानुज लाए थे एक तरह से। राम रक्षा स्त्रोत की रचना किसने की, तो ये रामानंद ने की। राम रक्षा स्रोत की रचना रामानंद ने की। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया, यानी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रचलन किया। रामानंद के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। यानी रामानंद के गुरु का नाम क्या था, राघवानंद था। अगला है रामानंद के शिष्य थे, तो रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, यानी रामचंद्रिका केशव दास की रचना मानी जाती है। छंदू का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो छंदू का अजायब घर है वो रामचंद्रिका को कहा जाता है। और रामचंद्रिका की रचना है वो एक तरह से केशव दास ने तुलसीदास जी के प्रतिस्पर्धा में की थी, यानी तुलसीदास जी के प्रतिस्पर्धा या होड़ में रामचंद्रिका की रचना की थी। रामायण महानाटक के रचनाकार हैं, तो रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान हैं। उसके बाद है भक्तमाल व अष्टयाम के रचयिता हैं, तो भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, यानी दोनों किताबों के रचयिता। और एक बात ध्यान रखने की है कि अष्टयाम कई और अन्य लेखकों को भी है, और खुद नाभादास ने भी दो अष्टयाम बनाए थे जिनके प्रश्न आगे दिए हैं। हनुमान मन्नाटक रचना है, तो हनुमान मन्नाटक है वो ऋधेराम की रचना है। अगला प्रश्न है कवि प्रिया और रसिक प्रिया, यानी एक रचना है कवि प्रिया, दूसरी रचना है रसिक प्रिया रचना है, तो ये केशवदास की रचनाएं हैं, दोनों केशवदास की रचना है। अगले रचना है भरत मिलाप किसकी रचना है, तो भरत मिलाप है वो ईश्वरदास की रचना है। उसके बाद है ध्यान मंजरी रचना है, तो ध्यान मंजरी है वो अगरदास की रचना है। उसके बाद है रामरासो रचना है, तो रामरासो है वो माधवदास चारण की रचना मानी जाती है। फिर है केशवदास ने एक रात में ग्रंथ की रचना की, यानी एक ही रात में ग्रंथ की रचना की, तो रामचंद्रिका की रचना की जिसको छंदों का अजायब घर भी माना जाता है। सब सुखी संप्रदाय की स्थापना की, तो सब सुखी संप्रदाय की स्थापना है वो चरणदास ने की। अगला है रसिक संप्रदाय की स्थापना की, रसिक संप्रदाय की स्थापना की और उनका नाम था अगरदास, यानी अगरदास ने की। नेक्स्ट है रामानुज संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, तो रामानुज संप्रदाय का प्रमुख स्थल है वो तोतादरी माना जाता है, और राजस्थान में जो है गलताजी माना जाता है। योग चिंतामणि की रचना की, तो योग चिंतामणि की रचना रामानंद ने की। वैष्णव भक्ति का उदय हुआ, तो वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और फिर ये उत्तर भारत में आई। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। आलवार संतों में महिला संत थी, तो इसका नाम था आंदाल। आलवार संतों में महिला संत थी, उसका नाम आंदाल था। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका वीर सिंह चरित्र, वीर सिंह चरित्र रचना है, तो ये केशवदास की रचना मानी जाती है। जहांगीर जस चंद्रिका वीर सिंह चरित्र केशवदास की। अगला है सखी संप्रदाय की स्थापना की, तो ये हरिदास जी ने की। सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की। राम भक्त कवियों ने भाषा को अपनाया था, तो अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी, अवधी थी। और कृष्ण भक्त कवियों की भाषा कौन सी थी, ज्यादातर ब्रज भाषा थी। अगर अली नामक काव्य की रचना की अगरदास ने, अगर अली का अर्थ है यानी अगरदास अपने आप को राम की क्या मानते थे, सखी मानकर रचना करते थे, तो अली का अर्थ सखी है यहाँ पर, तो उन्होंने नाम लिया अगर अली। आरती कीजिए हनुमान लला की रचना की, तो रामानंद ने की, यानी हनुमान जी की आरती की रचना है वो रामानंद ने की।
विरेचन गीता रचना है, तो विरेचन गीता है वो केशवदास जी की रचना मानी जाती है। अगला है, रामानंद को, ये को है भाई, को आकाश धर्मगुरु कहा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रामानंद को आकाश धर्मगुरु है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, अगरदास जी शिष्य थे, तो अगरदास जी है वो कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे। नाभादास शिष्य थे, तो नाभादास अगरदास जी के शिष्य थे। राम ध्यान मंजरी रचना है, तो राम ध्यान मंजरी है वो अगरदास जी की रचना है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना की, तो उन्होंने दो अष्टयाम की रचना की, ये याद रखने की बात है, दो अष्टयाम लिखे थे उन्होंने। नाभादास के पहले अष्टयाम की भाषा है, तो पहला अष्टयाम उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा, और उसके बाद नाभादास के दूसरे अष्टयाम की भाषा शैली है, तो रामचरितमानस की शैली पर आधारित दोहा चौपाई शैली में उन्होंने दूसरा अष्टयाम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी भाव की उपासना पद्धति चलाई, तो ये रामचरणदास जी ने चलाई। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और आगे भी वीडियो इसी तरह जारी रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।